राजस्थान के साउथ पार्ट में 4,117 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैला प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्रीज को लॉक करता है साउथ में बांसवाड़ा, वेस्ट में उदयपुर, नॉर्थ में चित्तौड़गढ़ और वेस्टर्न पार्ट में इंटरस्टेट बॉर्डर मध्य प्रदेश से। 2011 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार 8,67,231 लोग निवास करते हैं, जो इसे बनाता है गोल्डन सिटी जैसलमेर के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट। अगर हम बात करें प्रतापगढ़ के लिंगानुपात की तो वह प्रति 1000 पुरुषों पर 983 औरतें। वही यहाँ की लिटरेसी यानी साक्षरता दर है 55.97%, जो इसे बनाती है सिरोही के बाद राजस्थान का तीसरा सबसे कम साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का औसत घनत्व 193 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वही यहाँ पर भाषा के रूप में हिंदी, राजस्थानी, बागड़ी और कुछ क्षेत्रों में मेवाड़ी भाषा भी बोली जाती है। दोस्तों, प्रतापगढ़ के व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन किया जाता है RJ-35 RTO नंबर से। वही यहाँ से नेशनल हाईवे के रूप में NH-113 गुजरता है। वही बात करें प्रतापगढ़ के एग्रीकल्चर सेक्टर की तो यहाँ पर पाई जाती है लाल और काली मिट्टी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मक्का, सोयाबीन, जौ और कुछ क्षेत्रों में अफीम की खेती भी की जाती है। वही मिनरल्स के रूप में प्रतापगढ़ में ज़्यादा कुछ तो नहीं, यहाँ पर डायमंड, संगमरमर और कांग्लोमरेट चट्टाने देखने को मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में ज़रा सा भी मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मिलती रहे हमारी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं प्रतापगढ़ के गजब के इतिहास की। प्रतापगढ़ एक लंबे समय तक मेवाड़ का हिस्सा रहा, लेकिन महाराणा कुंभा के छोटे भाई सैम करण ने चित्तौड़ को छोड़कर प्रतापगढ़ चले गए और वहाँ पर जाकर अपना शासन किया। और 1669 में महारावत प्रताप सिंह ने प्रतापगढ़ नामक शहर की स्थापना की। आपको बता दें कि उस समय प्रतापगढ़ 889 वर्ग में फैला था। और आगे चलकर 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां नया जिला बनाया गया। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बात करते हैं प्रतापगढ़ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की। दोस्तों, क्या आपको पता है प्रतापगढ़ से गुजरने वाली माही नदी के किनारे पर बने मैदान को कांथल कहा जाता है, और इसीलिए माही नदी को प्रतापगढ़ में कांथल की गंगा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, द गंगा ऑफ कांथल। फ्रेंड्स, आपने राजस्थान के 56 के मैदान के बारे में जरूर सुना होगा, और इसी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की बाउंड्रीज पर बना हुआ है ये 56 का मैदान। यहाँ से माही नदी गुजरने के कारण यहाँ पर 56 पानी के नाले बने हुए हैं, जिसके कारण इस मैदान को 56 का मैदान कहा जाता है। वेल फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारे इसी प्रतापगढ़ से जाखम रिवर निकलती है, जो प्रतापगढ़ के भंवर माता की पहाड़ी से निकलकर आगे की ओर चलती है। वेल फ्रेंड्स, देखिए इस खूबसूरत डैम को जो बना हुआ है प्रतापगढ़ के अनुपमा गांव में। ये डैम राजस्थान का सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर बना हुआ डैम है। वही प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर एक और जाखम डैम भी बना हुआ है। गाइस, राजस्थान का एकमात्र सागवान के पेड़ों वाला सीता माता अभ्यारण्य भी इसी प्रतापगढ़ में मौजूद है। वही दोस्तों, इसी अभ्यारण्य में आपको उड़न गिलहरी भी देखने को मिल जाएगी। वाकई दोस्तों, उसका उड़ना लोगों को काफी बेहद ही पसंद आता है। वही दोस्तों, फैक्ट तो ये भी है कि हिमालय के बाद दूसरी सबसे ज्यादा दुर्लभ औषधि भी यहाँ से ही प्राप्त होती है। दोस्तों, अपनी खूबसूरत आंखों से इस खूबसूरत कला को देखिए, ये दिखने में कितनी शानदार लगती है। इस कला को थेवा कला कहा जाता है, जो कांच और गोल्ड के ऊपर की जाती है। ये कला इतनी गजब है कि इसे कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। वेल फ्रेंड्स, इसी प्रतापगढ़ में हर साल कई सारे मेले भी लगते हैं, जैसे भंवर माता का मेला जो प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में भरता है, गौतमेश्वर महादेव का मेला। ये मेला प्रतापगढ़ की अरनोद तहसील में प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा से 2 दिन तक लगता है। दीपनाथ महादेव का मेला, ये मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसी प्रतापगढ़ का संबंध रामायण काल से भी है। यहाँ पर मौजूद सीता माता लोकेशन पर ही लव और कुछ का जन्म हुआ था, और यहाँ पर ही वाल्मीकि जी का आश्रम भी मौजूद है। वही दोस्तों, राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा का शुभारंभ भी इसी प्रतापगढ़ में 6 मार्च 2001 को किया गया था। और दोस्तों, राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी इसी जिले के देवगढ़ में स्थित है। वेल दोस्तों, प्रतापगढ़ में ज्यादातर लोग कृषि का काम करते हैं, इसीलिए तो यहाँ के लोग इतने खुश नजर आते हैं। इतनी खुशी तो हमें करोड़पति के चेहरे पर भी नजर नहीं आती, जितनी यहाँ के लोगों के चेहरे पर नजर आती है। बाकी दोस्तों, इन लोगों की जिंदगी में काफी इंजॉय है। दोस्तों, आज तक आपको केवल दान धर्म करने का सर्टिफिकेट मिला होगा, लेकिन प्रतापगढ़ में मौजूद गौतमेश्वर महादेव टेम्पल के कुंड में डुबकी लगाने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं, और यहाँ के पुजारी आपको उसका सर्टिफिकेट भी देते हैं। यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आते हैं
यहाँ पर वो लोग भी आते हैं जिन्हें किसी पाप के कारण समाज से बाहर कर दिया गया हो या फिर किसी के हाथों से जीव हत्या हो गई हो। वो अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर जरूर आते हैं। इसकी शुरुआत गौतम ऋषि ने की थी। जब उनके द्वारा एक गाय की मौत हो गई थी तब उन्होंने यहीं पर आकर अपने पापों का प्रायश्चित किया था और उसके बाद से ये परंपरा अभी तक चली आ रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो के नेक्स्ट और सबसे अंतिम पार्ट में बात करते हैं प्रतापगढ़ के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में। हमारी नंबर फर्स्ट की लोकेशन है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। दोस्तों ये प्लेस राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत भर में जानी जाती है। ये अभयारण्य 422 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको चीतल, जंगली सुअर, पेंगोलिन और टाइगर जैसे एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगर आप कभी इस प्लेस पर जाते हो तो यहाँ की उड़न गैलरी को देखना कभी मिस न करें। अगर आपको प्रतापगढ़ में कभी भी घूमने का मौका मिले तो एक बार आप इस अभयारण्य में जरूर विजिट करें। हमारी दूसरी सबसे बढ़िया लोकेशन है गौतमेश्वर महादेव टेम्पल। फ्रेंड्स, ये मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए आते रहते हैं। ये टेम्पल श्रद्धालुओं के बीच में काफ़ी फेमस लोकेशन है। हमारी थर्ड लोकेशन है देवगढ़। दोस्तों ये प्रतापगढ़ की वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है। यहाँ पर आपको प्राचीन समय के महल और कलाकृतियाँ देखने को मिलेगी जो वाकई काफ़ी शानदार और खूबसूरत है। साथ ही देवगढ़ पहले प्रतापगढ़ की राजधानी हुआ करता था। हमारी फोर्थ लोकेशन है भंवर माता टेम्पल। ये मंदिर मुख्य रूप से माँ भंवर माता, माँ कालिका और सरस्वती माता को समर्पित है। लोगों की इस मंदिर पर काफ़ी आस्था और श्रद्धा है। ये वाकई काफ़ी एक खूबसूरत नज़ारा पेश करती है। दिस इज ए बेला भवानी टेम्पल जो साई नदी के किनारे पर एक खूबसूरत लोकेशन पर आई हुई है। कहा जाता है कि यहाँ से भगवान श्री राम गुजरते थे और उसके बाद में यहाँ पर बेला भवानी का मंदिर बनाया गया। यहाँ पर भी माता के दर्शन करने के लिए कई सारे लोग आते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी प्रतापगढ़ में कई सारे टूरिस्ट प्लेस मौजूद है जैसे जाकम रिसोर्वर, घुसमेश्वर नाथ धाम, भायाहरण नाथ टेम्पल, नाग वासुकी टेम्पल और कोट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जैसे भी कई सारे टूरिस्ट प्लेस मौजूद है जिसे आप प्रतापगढ़ में आते ही देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक और डिस्ट्रिक्ट टूर के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।